हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हम रोहतास, और रोहतास में अभी हम जा रहे हैं मातुतला भवानी का दर्शन करने। जहाँ के जाने के लिए पहले सबसे पहले मतलब बाइक, अगर कोई पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो पहले बाहर 10 रुपया देखे, जो भी मतलब चार्ज हो बाइक से। एक्चुअली मैं बाइक से आया तो बाइक का चार्ज 10 रुपये था, देखिए बाहर लगा दिया जाता है। यहाँ से फिर जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब ये कैंपस अब जो इसमें बैरिकेटर किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आप अपने पर्सनल को भी गाड़ी से नहीं आ सकते। यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ना अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर, जिसके लिए आपको ये ट्रेवल ई रिक्शे चलते हैं और बहुत सारे ट्रेवल वाली गाड़ी चलती है, जो कि 10 रुपये फिर से पे कर, मतलब 10 रुपये चार्ज करेंगे, और 10 रुपये चार्ज करने के बाद देन मातुतला भवानी के पास आपको पहुँचाएंगे। मतलब 10 रुपये ही चार्ज है, तो ज़्यादा चार्ज मुझे नहीं लगता, और 1.5 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये चार्ज तो ठीक ही है। मतलब 1.5 किलोमीटर है वहाँ के, मतलब इस कैंपस के बाद 1.5 किलोमीटर भाई हम इस गाड़ी से सफ़र करने वाले हैं, और फिर देन आप पहुँचेंगे मातुतला भवानी के पास। और क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो पहुँचने के बाद मैं बताऊँगा वहाँ क्या क्या चीज़ मुझे देखने को मिलने वाला है। पहली बात, एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, जो कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ मतलब गूगल पर देखी है, वो सब बता रहा हूँ। और मैं वहाँ जाने के बाद पूरी डेप में मुझे पता चलेगी क्या क्या चीज़ मुझे वहाँ देखने को मिलेगा, मातुतला भवानी का दर्शन भी करने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले अभी हम 10 रुपये देखे और चलते हैं इस वैन से मातुतला भवानी के पास। जब 10 रुपये आप पे करेंगे, जब यहाँ तक आप आ जाएंगे, तो फिर आपको मातुतला भवानी का मतलब सामने वाटरफॉल तो सबसे पहले दिखने वाला है। और यहाँ पे मतलब 5 रुपीज़ पे करने के बाद सस्पेंशन ब्रिज का मतलब मज़ा ले सकते हैं, या फिर पैदल भी लोग जाते हैं। मतलब वो रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि वो बहुत लोग जब चलते चलते वो पत्थर सब ना वो फिसलन टाइप का बन चुका है, तो उससे अच्छा है 5 रुपीज़ लगते हैं ये सस्पेंशन ब्रिज के, जिसमें मैं अभी चढ़ रहा हूँ। ये 5 रुपीज़ पे करेंगे और सस्पेंशन ब्रिज जब क्रॉस करेंगे, देन फिर आपको पैदल रूप पे है, जो उससे भी फिर चलना पड़ता है आपको। तो सस्पेंशन ब्रिज ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ तक वो पत्थर आते हैं वहीं तक वो सस्पेंशन ब्रिज है। और मैं इसको सस्पेंशन ब्रिज नहीं बोलूँगा, मतलब बचपन में जो देखे होंगे ना कौवा पुल जस्ट लाइक वैसा ही है, मैं इसको सस्पेंशन ब्रिज इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज का इन द सेंस केस होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें बहुत सारे बीच में ब्रेकर्स है, मतलब बीच में भी एक सपोर्टिव मिला हुआ है, इसलिए सस्पेंशन ब्रिज का रूप मतलब है एक उसी टाइप से, मगर सस्पेंशन ब्रिज एक्चुअली है नहीं, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज फर्स्ट में एक अटैचमेंट रहता है और एक लास्ट में, इसके बहुत सारे बीच में भी बहुत सारे सपोर्टिव है, तो इसलिए सस्पेंशन ब्रिज है नहीं, बस उस टाइप से बना हुआ है। इसको पूरा पार करेंगे देन आपको तुतला भवानी का दर्शन करने को मिलेगा। आगे जब सस्पेंशन ब्रिज पूरा क्रॉस करने वाले होंगे, क्रॉस करने के बाद आपको देन तो सामने आपको तुतला भवानी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हम ठीक चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज से सबसे पहले पर क्रॉस करते हैं, देन आपको फिर लेके चलते हैं माँ तुतला भवानी का दर्शन करवाने। फाइनली तुतला भवानी के दर्शन करने के बाद ये वाटर फ्लोइंग करने के अल्टीमेट मतलब फील आता है, मतलब पूरा जब ये हवा जो चलती है स्नोफॉल, तो हल्का हल्का हवा से जो मतलब फेस पे जो वाटर ड्रॉप होते हैं ना, मतलब एक अल्टीमेट लेवल का फील है। और ये भले ही मानते हैं थोड़ा तुतला भवानी के पास है, तो जगह थोड़ा सा स्पेस की कमी है, जिसके कारण थोड़ा सा कंजस्टेड दिखता है, और ये कंजस्टेड भी है और डेंजर भी है, क्योंकि जगह इतनी कम है कि लोग एक बार आएंगे तो एक बार में निकलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा जगह की कमी है। मगर यहाँ पे जो फील है ना अल्टीमेट लेवल का है, और लोग यहाँ पे मतलब पहले नीचे नहाते हैं, फर्दर फिर पूजा करने आते हैं, मातुतला भवानी का दर्शन करने आते हैं, और देन उसके बाद दर्शन करने के बाद नीचे मतलब फिर से एंजॉय करते हैं, क्योंकि मतलब ये पहाड़ी और ये बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र जब देखने को मिलता है ना, तो एक अल्टीमेट लेवल का तो फील आता ही है। और खासकर ये वाटर फ्लोइंग सबसे ज़्यादा लोग ये वाटर फ्लोइंग जब बारिश का मौसम, जैसे सावन का जब दिनों आता है ना, तो वाटर फ्लोइंग जब होता है ना, तो और अच्छी वाली फील आती है। और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से तो वाटर फ्लोइंग हो ही रहे हैं, यहाँ से भी एक दो ड्रॉप ड्रॉप रेन के जो निकलते हैं ना,
जिसको लोग मतलब ऐसे करके मतलब मुंह के अंदर डायरेक्ट लेने की कोशिश करते, बोलते प्रसाद है ऐसा मतलब बोला जाता है, मतलब ऐसा माना भी जाता है, लोगों का कहना भी है कि वो एक प्रसाद है और उसको लेने के लिए लोग मतलब वहाँ पर फ्लोइंग मतलब जब रेन ड्रॉप मतलब ड्रॉप ड्रॉप गिरते हैं उसको मतलब मुंह खोल के लोग लेने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो मेरे मुँह में आए, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में लेने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक अलग ही यहाँ का वेव है और यहाँ आने के बाद एक अलग ही वेव फील होता है, मतलब अल्टीमेट है पूरा एकदम, मतलब ये जगह ना एक अपने आप में नयाब है और अल्टीमेट है। मैं बताऊँ मतलब थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कम है जिसके कारण लोग इधर तो कंजेस्टेड होते हैं, थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड एरिया भी हो जाता है और थोड़ा सा फिसलन भी है, मतलब घर्षण बहुत ज़्यादा है, तो संभाल के भी चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, बंदरों से सावधान, क्योंकि वो कैमरा छीन ले, मोबाइल छीन ले, कोई पता नहीं मतलब कब क्या छीन लेंगे, उससे सावधान, क्योंकि वो भी बहुत डेंजर है, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। बाकी सब मस्त है और लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन बोल सकते हैं सासाराम का, ये रोहताश का बहुत अच्छा लोकेशन है जहाँ आप आके दर्शन कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं नीचे अपने वाटर फ्लोइंग में, बहुत मज़ा ले सकते हैं ये वाटर फ्लो में, क्योंकि लोग नहाते भी हैं, इंटरटेन भी होते हैं, वो इंटरटेन करते भी लोगों को, मतलब बहुत बोटिंग मुझे लग रहा है बोटिंग लगी हुई है, मगर बोटिंग हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि लगी हुई है तो होती ही होगी, अभी मे बी कुछ पानी वाटर वाटर कुछ लेके नहीं उड़ी हुई, वो बोट लगी हुई तो बोटिंग हुई तो बहुत अल्टीमेट फील आने वाली है यहाँ अगर आते हैं तो। जो 5 रुपीज़ का टिकट देके मतलब इस पर एंट्री करते हैं, वही 5 रुपीज़ का टिकट देके दिन वापस इसी से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। फाइनली मैंने आपको दर्शन भी करवाया, अल्टीमेट लेवल का फील भी आया हुआ, क्योंकि और ये लचका हुआ पुल, ये तो और अपने आप में एक नया मतलब यूनिक ही रखा है। एक तो राजगीर में जो सस्पेंशन ब्रिज के नाम से, इसको आप लचका हुआ पुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो एंगल पर नहीं है, तो इस पर और अल्टीमेट लेवल का फील आता है। और इधर सब लोगों को देखा ही आपने, मतलब एकदम कितना एंटरटेन हो रहा है, मतलब इन्जॉय इन्जॉय। फाइनली जो भी था उतला वाणी का मैंने दर्शन भी करवाया आपको। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।